नमस्कार दोस्तों, जीके रफ्तार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, ये विज्ञप्ति उन्होंने जारी की है कल की तारीख में 10/3/2021। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा CHO भर्ती 2020 हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत TSP एवं नॉन TSP क्षेत्र के कुल 7,810 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के दुगने अभ्यर्थियों की विचारित सूची एलिजिबिलिटी चेकिंग दिनांक 16/1/2021 को जारी की गई थी। विचारित सूची में शामिल उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य 6 संभाग कार्यालयों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा पर किया गया। इसके अंदर आगे बताया गया है कि विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर उनकी विनिश्चय CHO भर्ती 2000 परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन की शर्तों, विद्यमान सेवा भर्ती नियमों एवं विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर स्पष्टीकरण के अनुसार किया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा उनके आरक्षण प्रवर्ग हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया, जिन्होंने अपने आप को आरक्षित श्रेणी के अंदर उस फॉर्म में दिखाया था, उनके जो है डॉक्यूमेंट आरक्षित वर्ग के नहीं पाए गए, इसलिए उनको अनारक्षित वर्ग में शामिल किया गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। एक तो उनको अनारक्षित श्रेणी में जिनको डाला गया है उनकी इसके अंदर लिस्ट दी गई है, और 2-3 अन्य प्रकार की भी लिस्ट हैं जिसके बारे में भी बताता हूँ आपको। दूसरी लिस्ट इसके अंदर दी गई है, दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया, जो पात्रता इसकी दी गई थी उसके जो पूरे डॉक्यूमेंट नहीं मिलने के कारण उनको इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है, इस भर्ती के पात्र नहीं माना गया है, उनकी लिस्ट इसके अंदर है। तीसरी लिस्ट इसके अंदर दी गई है, इसके अतिरिक्त संविदा CHO भर्ती 2020 में विचारित सूची में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन के समय स्वयं को राजस्थान का मूल निवासी बताया था परंतु उनका स्थायी पता राजस्थान से बाहर होने, आवेदित आरक्षण संवर्ग के समृद्ध दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाने से अभ्यर्थी को विनिश्चय से वंचित कर रहे हैं। उनमें से दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहे अभ्यर्थी संकलन सूची के अनुसार समुचित कारण बताते हुए विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध ग्रीवियंस पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन्होंने अपने आप को राजस्थान का मूल निवासी बताया था लेकिन उनके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट में यह निश्चित नहीं हो पाया, वो अपना आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर ग्रीवियंस पोर्टल नाम से आपको लिंक मिलेगा, इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही एक और लिस्ट दी गई है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सपोर्ट्स कैटेगरी में आवेदन किया है उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में से राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप पाए गए दस्तावेजों का नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन संबंधित विभाग से सत्यापन करवाया जाना है। अंत इनकी अभ्यर्थिता लंबित रखी गई है और इनका विनिश्चय बाद में किया जाएगा। नीचे दी गई लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और इसको चेक करने के बाद आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं 14/3/2021 तक। ग्रीवियंस पोर्टल दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके लिए अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।